फ्रेंड्स, सर्विस क्विज़िन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल की सूखी भाजी, की बहुत ही कम मसालों के साथ बनाया जाता है और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। परवल की सूखी भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 350 ग्राम परवल। परवल को मैंने अच्छी तरीके से धो के सुखा लिया है। अब एक परवल लेंगे और इसका दोनों साइड हम काट देंगे। फिर इसका जो स्किन है इसको हम नाइफ के मदद से घिस के निकाल देंगे। यहाँ पे एक परवल तैयार है। अब हम ऐसे तरीके से सारे परवल को तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, इसको हम साइड में काट देंगे। अब एक ग्रेटर लेंगे, ग्रेटर की मदद से हम परवल को ग्रेट कर लेंगे। तो सारे परवल यहाँ पे ग्रेट होके तैयार है। आप देख सकते हैं ऐसे तरीके से परवल को हमें तैयार कर लेना है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। यहाँ पे लेंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 8 लहसुन की कलियों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। 3 बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली यानी की हरी मिर्च, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही हम कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे है 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, और है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब एक पैन गरम कर लेंगे। पैन गरम होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में ही रखेंगे। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो पे रखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन के अंदर जो कच्चापन है वो चला जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ग्रेट किया हुआ परवल डालेंगे। परवल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और फ्लेम को हम इस वक्त लो टू मीडियम पे रखेंगे। और साथ ही साथ हम नमक भी डालेंगे। इस वक्त नमक डालने से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और परवल के अंदर जो पानी है वो भी निकल जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक बार मिला देंगे और मीडियम फ्लेम में फ्राई करते रहेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद हम परवल के साथ अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब देख सकते हैं कुछ देर फ्राई करने के बाद परवल के अंदर से पानी निकल रहा है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करते रहेंगे।
बीच बीच में एक बार चेक करते रहेंगे ताकि परवल कढ़ाई के तले में चिपक न जाए। अब देख सकते हैं परवल के अंदर से जो पानी निकल रहा था वो लगभग सूख चुका है। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। 4 मिनट हो चुका है, एक बार कवर हटा के इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। चीनी यहाँ पे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। अगर आपको मीठा खाना पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे और लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे। इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई होने देंगे, पर बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 3 मिनट हो चुका है, परवल की सूखी भाजी यहाँ पे बनके तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसको आप रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। फिर मुलाकात होगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।